अम्बी, श्रुति से बाहर मत जा। जी बहुत अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे। सिंदूर वर्ण डालो, पैरों को मोड़ के बैठो। हरे राम राम राम, कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो अम्बी, कंट्रोल कर लो। अरे ये क्या जा रही पेन देखा कहीं पे? अरे मैंने ही दूध वाले का हिसाब करने के लिए लिया था। क्या माँ, जो भी चीज तुम उठाती हो वी पर वापस रखती क्यों नहीं? न्यूज़पेपर देखो, पढ़ने के बाद फोल्ड भी नहीं किया। अपने पिताजी से पूछ, वही पढ़ रहे थे। आई हेट दिस ऑर्डर। क्या तिलवायूर जा रहे हैं? इस वर्ष त्यागराज जी के उत्सव में जरूर गाना होगा और काफी लोग भी उनके साथ मिलकर गाने जा रहे हैं बेटा। हजारों में गाएंगे तो क्या फायदा होगा माँ? क्यों, क्या बातें हो रही है मेरी? जानते हो कौन हूँ मैं? कवि श्रीनिवास अय्यंगार की परंपरा से हूँ। हाँ, आपको गाते देख खुद त्यागराज जी अपनी समाधि से उठ के वहाँ आएंगे। अम्बी, तुम भी चलोगे इस बार? तिरुवायूर? हाँ। चांस नहीं है पिताजी, यहाँ बहुत कंज्यूमर केस पड़े हैं। ये तुम्हारे सारे केस बेकार के हैं, हारने वाले या मुफ्त वाले केस। क्या मिलने वाला है तुम्हें? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अच्छे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं भी बहुत केस लड़ चुका हूँ, नीति धर्म न्याय सब कुछ अब नाम के वास्ते ही है। बेटा, ये गार्ड कल पोस्ट से आया था, कुछ समझी नहीं, इनको दिखा तो फाड़ के फेंक दो कहा। अपरिचित पैदा हो गया है, अपनी तकलीफ अपरिचित को बताइए। गलती करने वाले लोगों को वीरमान श्री गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा मिलेगी। इस पत्र की 15 कॉपी बनाकर 15 लोगों को तुरंत भेजेंगे तो अपरिचित का आशीर्वाद पाएंगे। ना भेजने वाले एक रामा स्वामी ने अपने पेन को तोड़कर उसने अपने सर को फोड़ा और उगलता हुआ मारा गया। इसका क्या मतलब है बेटा? समक्रांत लफड़ा क्यों मोल ले, लिख कर डाल देता हूँ। भाई मेरे मुंह पे क्यों थूका? उस तरफ माता देवी का मंदिर है, इसीलिए इस तरफ थूक दिया। क्या करूं, तू बीच में आ गया। उधर मंदिर है तो किसी कोने पर जाकर थूक देते तुम, या कूड़े के कचरे में थूक देते, या प्लास्टिक बैग में थूक के स्टेपर करके बिना किसी को परेशान किए हुए कूड़े में फेंक देते उसे, या पर्स में थूक करके जेब में रख लेते। रोड पर थूकना गलत बात है, कोई तुम्हारे घर में जाके थूके तो? क्या थूक थूक बोलकर इतना बड़ा लफड़ा पैदा कर दिया तूने, जाके साफ कर लो ना। बड़ा आया समझाने मुझे सुबह सुबह। अरे अरे भाई, कम से कम एक सॉरी तो बोलकर जाओ भाई। बोलता हूँ, सॉरी पूरी कचोरी। क्या बेबड़ बोले, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। क्यों भाई ऑटो, तुम लकीर क्यों पार करते हो भाई? आने वाले को परेशानी होगी भाई। देखो 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 देखो, तुम्हें देखकर सब लोग गलती कर रहे हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना, अगर आप सब भी ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो सब तरफ से रास्ते रुक जाएंगे, उस तरफ से भी लोग नहीं आ पाएंगे और हम भी ट्रैफिक जैम करके फंस जाएंगे चारों ओर से। ऑफिस का टाइम हो गया है, लेट गए तो लॉस ऑफ पे। तू देगा क्या? पी कार है जब, जानते हो
तो हाफ एन आवर जल्दी क्यों नहीं निकलते हो घर से? हाँ तू लाइन नहीं रहे, शाम हो जाएगी तब वैसे ही घर चले जाना। बड़ा आया सवेरे सवेरे समझाने ट्रैफिक रूल, खुद भी नहीं जा रहा, किसी और को भी जाने नहीं दे रहा। कैसे लोग हैं भाई। पुजारी रूल समझाएगा तो यही हाल होएगा। ए, मैं पुजारी नहीं हूँ, लॉयर हूँ। कैसी ब्रेकवायर बनाते हो भाई? खरीद के अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पूरे एक महीने की गारंटी दी थी तुमने। हैवी ट्रैफिक में जाते वक्त फट से टूट गया, अगर बस के नीचे आकर मर जाता मैं तो। अच्छा ब्रेक वायर और बिल मुझे दो, फैक्ट्री भिजवाता हूँ, रिप्लेसमेंट आते कलेक्ट कर लेना। आदमी मर जाए तो रिप्लेस करके दोगे? मरा तो नहीं, फिर काहे का लफड़ा है? कंज्यूमर के बारे में आप जरा भी नहीं सोचते, अपनी जेब भरने की सोचते हो। इतना घटिया किस्म का माल तैयार करके जो मुसीबत आएगी वो नहीं सोचते। देखो भाया, हम डीलर हैं, माल बेचते हैं, तुम फैक्ट्री ओनर के पास जाकर लड़ो। मैं एक लॉयर हूँ, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उस फैक्ट्री ओनर का नाम और एड्रेस बताओ, कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल के डैमेज क्लेम करके उसकी फैक्ट्री को बंद करवा दूंगा मैं। लो और भाड़ में जाओ। टीवीएस 50 के एक ब्रेक वायर देना। सर इस दुकान से मत खरीदना, सब घटिया माल बेचते हैं ये लोग। ISI का झूठा स्टैंप बनाकर बिल्कुल घटिया क्वालिटी बेचते हैं, कोई भी सामान ठीक दाम पर नहीं बेचते हैं ये लोग, इसीलिए इंडियन गुड्स की फॉरेन मार्केट में कोई जगह ही नहीं है। तुम अपना भाषण बंद करो, मेरा बिजनेस खराब मत करो, दबाओ जाओ जाओ। अरे हेलो, अरे क्यों में आइए ना आप? अरे दो चार में कैसे, दो चार हुए 2000 लोगों, क्यों इधर क्यों, फर्स्ट कम फर्स्ट। अरे अरे उस तरफ से उतरिए ना, क्या कर रहे, कैसी जल्दबाजी है आपको? हट, दिखाई को टिकट, फुटबोर्ड पर खड़े मत होइए, डेंजरस है। हेलो अंदर आइए। मेरी मर्जी। Excuse me, मेडिकल कॉलेज का एक टिकट ला दीजिए। टिकट क्या, जो कहो वो ला दूंगा। ए, हटो 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 यहाँ से, ये करो। अम्बी अम्बी यहाँ कर बैठो। मैं बैठो ना। लेडी सीट पर, जेंट्स क्यों बैठे? लेडीज आएंगी तो उठ जाना, तुम आओ बैठो। अगला केस किसका, जल्दी बोलो। रामानुज। कौन रामानुज? रूल्स रामानुज। व्हाट इज योर प्ली, दो शब्दों में जल्दी बोलो। ये है मिस्टर पुरुषोत्तम, शहर में सब मिलाकर 10 मकान हैं इनके, उन सब मकानों को माचिस की डिब्बी की तरह ऊपर नीचे 20 पोर्शन बना के अन्याय से भाड़ा वसूल कर रही है। मेरी क्लाइंट जयलक्ष्मी देवी विकास नगर वाले मकान में भाड़े पर रहती है मिलोर, बहुत छोटा 300 फीट वाला, नाक के 6 जितना पोर्शन है, रेंट कंट्रोल के हिसाब से 600 रुपए भाड़ा होना चाहिए, लेकिन ये मिस्टर 2000 रुपए वसूल कर रहे हैं और अब और 200 रुपए बढ़ा दिए, और एक यूनिट करंट जो 2 रुपए का है लेकिन ये मिस्टर 4 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं। बेचारी ये बूढ़ी माँ, इनके पति, इनकी बेटी बेटा, 4 लोग मिलकर अपनी कमाई में से 3/4 भाग इसको भाड़े पर दे देते हैं, बाकी बचे हुए पैसों से ही राशन के चावल खाना सब्जी दाल और दूध खरीदते हैं ये लोग, काफी मुश्किल से गुजारा होता है। अरे साहब जी, मैं भी मजदूरी वगैरह करके इतना बड़ा आदमी बना, जिंदगी में मैंने बहुत कष्ट उठाए, इसलिए ज्यादा पोर्शन बनाकर कम भाड़े में सबको देकर समाज सेवा कर रहा हूँ साहब जी। मैंने रेंट कंट्रोल को पार करके बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लिया है। इन्होंने ज्यादा भाड़ा लिया है, इसका कोई सबूत या रसीद वगैरह है क्या? रसीद तो ये छोटे कागज पर ही देता था। देखिए सर, प्रॉपर बिल नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प भी नहीं, सिग्नेचर किया पेपर नहीं, बस इस छोटे से बिल को हम कैसे मान लें? ये लोग अपने हाथ से बना के भी तो ला सकते हैं। भाड़ा वसूल करने वाला कोई भी ठीक से रसीद नहीं देता है सर, लोग ऐसे ही पेपर पर लेकर देते हैं। ये सब काफी नहीं है मिस्टर, केस डिसमिस्ड, अगला कौन है बुलाओ। अबे रूल्स वाले, अरे मैंने शुरू में ही बोला था ये केस छोड़ दो, 2000 रुपये दूंगा तू मान जाता तो हारता क्या? तुम्हारा जीना बेफिजूल है, बेकार है। अब क्या होगा, अब सब मेहनत बर्बाद हो गई और इज्जत भी चले गई कोर्ट में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
थोड़ा सा भाड़ा और बढ़ा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ जी, वो सब दूसरों के लिए। तुम अपना सामान उठा के ले जाओ और साहब के घर में रहो। तुमको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। रूल्स चलूं मैं अब? तुम इंसान नहीं हैवान हो। इस आदमी को मरना होगा सर, वरना हम गरीब लोग बेमौत मरेंगे। आप ऐसा मत बोलिए, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उसके वास्ते और ताकत नहीं बची, जब तक होगा जिंदगी से लड़ेंगे, नहीं तो सब लोग सर खा के मर जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब? कोई आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? सुनो छुओ मत, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस को बुला। तो क्या तब तक हम इनको देखते रहेंगे? कमाल करते हैं आप, खून कितना बह गया। हे भगवान, अरे अरे कोई जाकर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ, कोई जाकर डॉक्टर को ले आओ भाई, कोई जाकर एम्बुलेंस को फोन करो भाई, अरे कोई जाकर सोडा या पानी लाओ भाई। क्या कोई कोई लगा रखी है आपने? आप जाकर बुलाइए ना सर, लगता ही मर जाएगा। क्यों भाई, गाड़ी क्यों रुकवाई? वो बुजुर्ग आदमी को बहुत चोट लगी है सर, खून भी बहुत बह रहा है। प्लीज हमें आप हॉस्पिटल तक देखो। प्लीज सर, दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा, बंद करो। बिल्कुल नहीं, आज ही डिलीवरी ली है गाड़ी की। सबसे पहले डेड बॉडी चलाऊंगा क्या? अरे वो डेड बॉडी नहीं है सर, वो इंसान अभी जिंदा है। व्हाइट कार, व्हाइट सीट मांग के खरीदी है। ये सीट अगर खून से खराब हो गई तो कौन धोएगा? जान से ज्यादा आपको व्हाइट सीट की पड़ी है सर। ठीक है, मैं उसे धोकर दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त हमारी हेल्प कीजिए। देखो, एक मिनट में चार जाने जाती हैं, पर कार थोड़ी आएगी। अरे सुनिए, मेरी पहली कार है, मैं फैमिली को लेकर सिद्धि विनायक मंदिर जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है। तुम मोर्चरी को बुलाते हो? किसी इंसान को मौत से बचाना मंदिर मस्जिद जाने के बराबर है सर। अरे तेरे को मैं ही मिला क्या? चला सर, 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 प्लीज प्लीज देखिए, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी सर, आप प्लीज। अरे हट मेरे रास्ते से, समय निकला जा रहा है, प्लीज उसकी जान निकल जाएगी सर, प्लीज थोड़ी मदद कीजिए सर, भगवान आपकी मदद करेगा प्लीज। अच्छा अच्छा, जाओ उठा लाओ, जाओ। आप जैसे लोग इस दुनिया में, तभी तो इंसानियत जिंदा है। हटिए भाई साहब, रास्ता छोड़िए, हट जाइए। अरे रास्ता छोड़ो सर। सर, एक छोटा देना भैया, एम्बुलेंस को एक फोन कर सकता हूँ? डॉक्टर, पहले उनको देख लीजिए प्लीज, उनकी जान जा रही है। यहाँ से सब लोगों की जान जा रही है। मैं एक आदमी कितने केस देखूं? 12 हाथ नहीं है मेरे, बेंच फूले शराबी के पड़े हैं, सारे केस शराबियों के, आंखें बंद पड़ी है सबकी। डीओ कहाँ है? कांस्टेबल को बुलाओ। क्या हुआ डॉक्टर? ये मर गया है। आधा घंटा पहले अगर तुम लाते तो बचा लेते हम। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तुरंत लेकर क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे? थोड़ी भी समझ नहीं आपको? भगवान, क्या ये दुनिया इतनी स्वार्थी है? किसी को भी समझदारी नहीं, कोई मदद नहीं करता, किसी को भी दया नहीं आती, कोई भी अम्मी, क्या हुआ? आजकल कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है पिताजी। शुरू हो गए बेटे? जनता तो रोड पर थूक देती है माँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं समझते, बेकार केबल वायर बनाकर बेचते हैं लोग, बस में जाते बस औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, अन्याय करके भाड़ा ज्यादा वसूलते हैं। औरतों के सामने कोई बेहोश पड़ा हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कार भगाते हैं, कोई नहीं रुकता है। जो कोई रुका वो कहता है कार की सीट में खून लग जाएगा, कह के भाग गया वहां से। उस बुजुर्ग को बचा सकते थे वहां, अगर आधा घंटा पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते तो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मर गया बेचारा। पापी लोग हैं, उन सबको नरक जाना होगा। सवेरे घर से निकलने से लेकर रात को वापस आने तक सब गलत ही गलत हो रहा है बा। अम्बी, तू अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, दुनिया के साथ चलना सीखो बेटा। बदल नहीं सकते हम, आंसू तो बहा सकते हैं, थोड़ी सी दया की आशा करना पिताजी, क्या गलत बात है? इन सब लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देते पिताजी? क्या पता, वैसे भगवान सबको समय आने पर सजा देते हैं बेटा, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। कलयुग है बेटा, इसी युग में ही सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी।
मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता माँ। अरे बेटा छोड़ो ना, फिर सिर में दर्द होगा तुम्हारे। सुशीला इसको गर्मा गर्म चाय पिलाओ, भगवान का नाम लेके गोली खा के सो जाओ तुम। गुड नाइट। हे भगवान। जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी के किनारे इंतजार कर रहे लोगों का आखिरी स्थान है ये गुफा। कोई चीज ही नहीं, कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। उदाहरण? छह उदाहरण है एक दिन में। क्या क्या है? दोष, गाड़ी रोके बिना चले जाने पर एक की मौत। दोषी का नाम, उम्र, पहचान, गाड़ी का नंबर। चिंता मत करो, गलती करने वाला करोड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। कल सुबह सिग्नल के पास गाड़ी क्यों नहीं रुकी? बहुत जल्दी में था, नाश्ता भी नहीं किया था। यही अगर तुम्हारे माता पिता या दोस्त होता तो बिना रुके ऐसे जाते क्या? नहीं, जरूर गाड़ी रोकता। तो वैसा अपनापन दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं? ये कोई बड़ी गलती है भाई। बहुत बड़ी गलती है कुत्ते, तुम्हारी लापरवाही से उसकी मौत हो गई। देखिए, गाड़ी जरूर रोकनी होगी, ऐसा कोई कानून तो नहीं है। कानून हो तो ही तुम दया और रहम दिखाओगे, नहीं तो कोई मरता है तो मरने तो ये सोच कर निकल जाओगे। लेकिन मेरा कानून ऐसे लोगों को सजा देगा, सजा है मौत। कार नहीं रोकी तो मौत की सजा मिलेगी। हे भगवान, ये मेरा न्याय तुमको अन्याय लग रहा है ना? मैं सही हूँ।